ये আমি কইতে চল চল চকলা চকলা জো চকনা চকলা वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। राखी वाले ब्लॉग को अच्छा प्यार प्यार राखी वाले ब्लॉग को हमने अच्छा खासा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और उसी ब्लॉग में हमने बताया था कि ये थोड़ा घूमने जा रहे हैं, जनाब घूम के आए हैं, पर इनके साथ इतनी बुरी हुई ना, इतनी बुरी हुई ना, ये खुद अपने जुबानी जो है बयां करेंगे अपनी दास्तां, बताना चाहेंगे। जब पुलिस वालों ने आपको रोक लिया तब क्या क्या हुआ, वो सीन जरा बताएंगे। उन्होंने पूछा वैक्सीन लगवाई है आपने, मैंने कहा नहीं जी। हाँ। कहते आप वो टेस्ट करवा के आए हो, मैं कहा नहीं जी। कहते फिर मुंह उठा के आगे, मैं बोला ही नहीं आगे से, तो कहते यहाँ से घुमा लो गाड़ी, मैं कहा ठीक है जी। मतलब इतनी दूर गए और एंट्रेंस से पहले ही वापस आ गए। मतलब मैं सुबह आराम से सोई, मैं चलो कोई काम नहीं है, चलो मैं सोती हूँ आराम से, उठती हूँ, इन्होंने तो पता नहीं कभी आएंगे, तो आगे बेल मार रहे, मैं कौन आ गया सुबह सुबह, मैंने कहा आप तो आ भी गए, करने क्या गए थे फिर। तो ये थी, ये होती है इनकी वॉइस की प्लानिंग। तो हम घूम के तो आए, मौसम तो अच्छा था ना, पहाड़ का एरिया घूम तो आए ना जाकर सारा। हाँ चलो ठीक है, एक इकट्ठे गेट टूगेदर, घूमने जाना था, हमने रुकना तो था नहीं वहाँ पे। हाँ, क्योंकि उनमें से कुछ फ्रेंड्स जो थे वो वापस जा रहे थे बॉम्बे, तो इसलिए एक टाइम इन्होंने अच्छे से स्पेंड कर लिया साथ में, यही हो सकता है, कह लो क्या हो रहा है। तो चलो बस ये है। और लास्ट ब्लॉग में ये भी बताया था कि इनके पास टी शर्ट जो है वो सारी हो गई है घिस घुस के खराब, तो अब हम जा रहे हैं इलांटे मॉल की मिल जाए कुछ, और मेरे को ग्रोसरी शॉपिंग करनी थी। और हम रहते हैं एक्चुअली चंडीगढ़ में, मोहाली साइड में रहते हैं, नॉट प्रॉपर चंडीगढ़ में नहीं रहते हम, और यहाँ पे डी मार्ट नहीं है यार, पूरी मोहाली में डी मार्ट नहीं है। तो हमने मतलब फिर मैं सोच रही हूँ कि चलो इलांटे में देखती हूँ कि मुझे क्या मिलता है, बिकॉज और जो स्टोर है जहाँ से मैंने लास्ट टाइम लिया था वो मुझे बहुत एक्सपेंसिव लगे, प्लस वो छोटे से थे, मतलब मजा नहीं आता यार कि घर से बाहर निकलता है बंदा। मैं तो इसलिए निकलती हूँ कि चल थोड़ी मेरी तो आउटिंग होगी, कोई चाहे मेरे राशन पानी लेने जाना है, तो इस बहाने से तो बस इसलिए फिर हम निकलते हैं बहाने से राशन पानी लेने जाना। अच्छा राशन पानी, ओके ना, तो राशन पानी ही कहते हैं ना, पानी फ्री का मिलता पैसा, फ्री का नहीं मिलता पैसे, जानते हो भी आजकल। यस बेल्ट लगा लो, मैम सीट बेल्ट लगाना भूल गई हूँ, और ये जनाब अपना मास्क भूल गए हैं, तो पहला मास्क ले लो गड्डी कितने खड़ी करके। इतना वहाँ केमिस्ट्री शॉप नहीं है, कितने कितने होने लड़ा मत जैसी या केमिस्ट्री तो होने नहीं हो, फिर उतने लड़ा सी जितना आंटी है के अंदर उन्हें तो मिल जाता है बहुत सोना, मेरे को उतने लिता कितना सोना है कॉटन दा पहले दादी उधर तो तू वेलकम वेलकम करती थी, और मेरा तो आनी सी का फिर गाना भी खाने लिए मुंडे ही होंगे है। आपको लांटे मॉल पहुंच के मिलते हैं। Thank you.
स्टॉप रिंग ज़्यादा टाइम नहीं लगाया हमने, फटाफट से पिक किया ताकि हम घर पे टाइम पे पहुंच जाए। और बस थोड़ी बहुत शॉपिंग ज़्यादा भी नहीं की हमने आपकी, ना थोड़ी बहुत की जो ज़रूरत की चीज़ें थी। और पर ज़्यादा बढ़िया ये शॉपिंग हो गई कि फ्री वाली चीज़ें बहुत मिल गई हमें। एक तो वाला इंग्लिश शॉप क्या ठीक है, उसमें कूपन बन रहा था कि अच्छी, मतलब हमारा एक बजट बन रहा था जिसमें फ्री वाला काम मतलब मिल सकता था, तो उससे दो चीज़ें फ्री वाली मेरी आ गई। फिर हम गए बिग बाजार, ग्रॉसरी लेनी थी मेरे को, तो बिग बाजार में भी फ्री वाला डिस्काउंट हमारा अच्छा खासा बन रहा था, तो उसमें भी फ्री वाली ने मतलब आप वो कहता है कि आप 150 रुपये की सब्जी जो है ना या फ्रूट्स है वो फ्री में ले सकते हो। तो ये हम कहते चल चल चकला चकला जो चकना चकला सब तो महंगे मटर हुए पड़े आज के टाइम पर, मटर हर एक चीज में पड़ जाते, सब्जी में भी चावल वगैरह में। मटर उठाओ पहले तो एक्स्ट्रा पैसे दे देंगे, फिर मटर उठाओ पहले, तो वो भी फ्री में हम लेकर आ गए। इनकी गोभी ले आए हैं फेवरेट इनकी। तो बस इसके साथ ही 5:30 हो गए हैं, अब हम निकल चुके हैं घर को, घर पहुंचते हैं, हाँ मिलते हैं आपको। गाइस वेलकम बैक। तो बस इससे पहले आपने सब देखा, मतलब इस सबसे पहले देखा कल वाले क्लिपिंग की, हम गए थे इलांटे, तो मेरे को ग्रॉसरी करनी थी और वहाँ पे बिग बाज़ार है, तो काफ़ी अच्छी खासी मेरी हो गई थी ग्रॉसरी। मतलब मैं एक बार में अच्छी ग्रॉसरी ले आती हूँ सारी ग्रॉसरी, मतलब ये दालें राशन ये सब चीज़ें, और साथ के साथ मतलब अगर कोई हैंड वॉश ख़त्म है, शैम्पू ख़त्म है, कंडीशनर सर्फ वगैरह ये सारी चीज़ें, क्लीनिंग की चीज़ें, वो सब कुछ मैं एक ही साथ जो है ना वो मैं शॉप एक बार ही करती हूँ, फिर वो जो मेरा लॉट होता है वो दो ढाई महीने अच्छे से निकल जाता है। तो वो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि वो मैं किसी बड़े स्टोर से ही करूँ, क्योंकि वहाँ पे अच्छे से अच्छे खासे यू नो डिस्काउंट ऑफर्स मिल जाते हैं, तो थोड़ी सेविंग्स भी हो जाती हैं। तो बस वो करके उसके बाद हस्बैंड को कहीं जाना था, तो हम भागे भागे घर बस आए बस टाइम पे, और बस आके फिर मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि मेरी आदत है कि अगर कोई भी चाहे कपड़े की शॉपिंग हो रही है, ग्रॉसरी की, खाने पीने की शॉपिंग हो रही है, तो मैं मेरी आदत है कि मैं सबसे पहले उसको आके सॉर्ट कर दूँ। मतलब मुझे अगर किचन की शेल्फ भी है ना उस पर आलतू फालतू चीज़ ऐसी पड़ी है, मेरे को पसंद नहीं होगा, कुछ होता रहेगा देख देख के। तो मेरी आदत ये बनी हुई है कि मैं कुछ भी घर में कोई एक्स्ट्रा चीज़ आ रही है मैं तो आते ही मेरी मैं उसको उसके टिकाने पर रख दूँगी। तो बस उस दिन फिर मैंने मतलब कल मैंने ग्रॉसरी वगैरह सेट की, और उसके बाद फिर रात बहुत हो गई थी तो मैंने व्लॉग किया नहीं। और आज अगर आपको लग रहा है कि अभी सुबह के टाइम में मेरे नहाने से आपको ऐसा लग रहा है, तो ये दोपहर का टाइम है, आज मैं बहुत लेट हो गई नहाने में, बहुत ज़्यादा लेट हो गई। एक तो मेरे को वैसे बहुत सारे काम थे, मतलब क्लीनिंग करनी थी, कुकिंग करनी थी, डिशेस पड़ी थी, फिर कपड़े भी धोने थे, और पुराना लॉट जो था वो भी सारा मेरे को फोल्ड करके रखना था। जैसे कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते ना आजकल कि मैं तो मतलब मेरे को टाइम नहीं लगा। सुबह सुबह पहले हस्बैंड चले गए जल्दी, क्योंकि एक मीटिंग है तो मेरे को जल्दी निकलना है, वो भाग गए। मैंने कहा चलो अभी हस्बैंड चले गए, मैं थोड़ा आराम से अपना काम करती रहूँगी। फिर मैं जब काम करना शुरू किया तो उनको कॉल आ गया कि चलो जी फटाफट से पुलाव बना लो। क्या हो रहा था ना कि पुलाव हम बॉम्बे में इतना बनाते थे, इतना बनाकर खाते थे कि मतलब हर तीसरे दिन मैं पुलाव बनाती थी, और सामने वाले घर में कोई देखने आया, ऐसे सामने जो घर है ना मतलब वो फ्लैट्स बन रहे हैं, वो घर नहीं है, मेरे को पता चल गया था, मैं आपको घर घर बोलती रहती थी, मतलब ये फ्लैट्स बन रहे हैं, तो अच्छा होगा जल्दी से बन के चढ़ जाएं, थोड़ा मिट्टी मिट्टी बहुत हो रही, खड़खड़ खड़खड़ भी चलती रहती, नहीं तो एक यहाँ पे कितनी फैमिली जाइए देखने, लोग आए जा रहे हैं चढ़ी जा रहे हैं आए जा रहे हैं चढ़ी जा रहे हैं, चलो अच्छी बात है। तो मैं कहाँ पे थी, हाँ पुलाव हुए। तो फिर हमने आज कल ही डिसाइड किया था कि आज तो पुलाव ही बनेंगे, जो मर्जी हो जाए आज हम पुलाव के साथ ही अपना जो ब्रंच है ना वो करने वाले हैं। तो फिर हस्बैंड आ गए, और मेरे को तब तक इतनी भूख लगी थी कि मैंने कहा पहले खाना खा लेती हूँ उसके बाद सारे काम करूँगी। अब उसके बाद करके खाना खा लिया तो फिर नहाने का तो कोई सीन बनता ही नहीं है ना, क्योंकि फिर पेट इतना हैवी हैवी सा फील होने लग जाता है। तो फिर अब मैं जाके अब नहाई हूँ, 4 बजे तो चलो वापस चलते हैं कमरे में, क्योंकि मेरे जो पुराना कपड़ों का लॉट है वो अभी तक ऐसे कैसे ही पड़ा है, मुझे उन्हें फोल्ड करके रखना है। सो लुक कुछ तो मैंने करने शुरू कर दिए थे, बट फिर मैं आधे में बीच में छोड़ के भाग गई, तो फटाफट से इसको करती हूँ, उसके बाद आगे की बात करते हैं। हेलो
गाइस ये दिख रही है आपको, नया मेहमान आया है, इसको हम खुद धक्के मार के बाहर निकाल रहे हैं। इसका पूरा ये सौभाग्य मिल रहा है सूर्य जी को क्योंकि आज बारिश बहुत हुई है ना, तो इसलिए ये उधर नहीं कहाँ से आ गई, वो भी पल्सर फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे तो पता चलता है पोचे ची वाड़ती। और देखो ओह किदा नु बाहर छुट्टो ना, या फिर आ जाना ये अच्छी रहनी है, जब बापी चल जूगी आपे किते चल जूगी, जेडी फर्स्ट फ्लोर चढ़ के आ गई वो फिर दोबारा नहीं आ सकती किथे गई बाबू, देखो हैगी है चेयर दे पीछे, कुर्सी लग के पई है। हां तो ने अंदर आ जाना, काट दो यार, मिट्टी मॉर्निंग तो बचने से आफ्टरनून हो गया, और नाश्ते में कुछ स्पेशल बन रहा है जो बना रहे हैं ये सूरी जी। जी हेलो, तो क्या बना क्या रहे हो? हैं बटर मैगी, गार्लिक बटर मैगी। चलो मैम अपना हाथ पीछे। हाँ जी हाँ जी, मैंने इनको बोला सिंपल मैगी बना दो, बड़ी भूख लगी है खाते हैं, बट इनको कुछ भी काम सिंपल करना ही नहीं होता, कुछ भी सिंपल नहीं करना होता है। तो पता नहीं घंटा लगा के मैगी बनेगी, अब इनकी 2 मिनट वाली मैगी इनकी बनेगी घंटे में, 5-10 मिनट में आपको मिल जाएगी। अपना मुंह बंद रखे, आ गई पहले आपको बहुत भूख लगी है, फिर मुंह बोल बोल के आप फिर और भूख लगवा लोगे। तो मैं अभी ये वाली मैगी लेके आई थी उस दिन जब ग्रॉसरी करने गई थी, या चिंग्स वाली भी है, एक खानी क्यों खानी, थोड़ी सी खानी, यही खा लेने, बिकॉज ये है मसाला मैगी है। तो ये मैंने कभी ट्राई नहीं किया क्योंकि हम मैगी वैगी बहुत कम खाते हैं, मतलब फ्रीजर में रखो, बहुत ही कम खाते हैं। और ये मटर लेके आई थी, ये मैंने सारे निकाल के रख लिए हैं, और इतने बढ़िया फ्रेश मटर मिले हैं ना बिग बाज़ार से इस बार, तो सारे निकाल के इस तरह से बंद करके मैं इसको रख देती हूँ फ्रीज़र में। और लुक एंड माई फ्रीज़र, मतलब ये सेक्शन अभी थोड़ा खाली हो गया, चॉकलेट से भरा हुआ था, कुछ चीज़ें जो है मैंने ऑलरेडी अंदर रखी हुई हैं बंद करके डब्बे में, कुछ चीज़ें यहाँ पड़ी हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पड़ी हैं, मतलब फेस्टिव सीज़न आए सही और मेरा स्टॉक इकट्ठा है था खाने पीने वाला कब तक का। इन्ने बड़ा मटर पाते, मटर क्यों पाया, आलू मटर की सब्जी भी कह रहे हो बना दे यार, वैसे मैं कहता हूं स्वाद लगूगी, सारे मटर मटर ही खाओ, मतलब मटर 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 ही फ्री में मटर मिलेंगे तो मटर मटर ही खाएंगे ना। 125 रुपए किलो है मटर, और सा डिस्काउंट भी मिला है ना फ्री में, मिल रहा डिस्काउंट जो लोकल थोड़ी मिल रहे। पता नहीं कौन सा दिन चल रहा है, व्लॉग स्टार्ट कर दिया मैंने, और ये व्लॉग मुझे लगता है जो आप देख रहे हो ना पूरे हफ्ते की क्लिपिंग्स ही होंगी, इसमें पूरा हफ्ता ऐसे व्लॉग चल रहा है। मेरे बाल इतने अच्छे लग रहे हैं कि जैसे कि मैं सैलून से ब्लो ड्राई वगैरह कुछ लेके आई हूँ, बट मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, बट या हेयर कट बहुत अच्छा हुआ था, और जो थोड़ा बहुत कलर बचा है ना मेरे बालों में वो थोड़ा अच्छा लग रहा है। वैसे मैं प्लान कर रही हूँ कि थोड़ा सा, काफ़ी देर से बोल रही हूँ व्लॉग्स में भी कुछ करने का सोच रही हूँ, बट मैं बहुत कम पंगे लेने का सोच रही हूँ इस बार, क्योंकि बालों का टेक्सचर वगैरह ना बहुत सही हो गया, नेचुरली बहुत सही हो गया। सो या ये चीज़ है, एंड हस्बैंड चले गए हैं वापस काम पे, संडे के दिन भी उनका काम चल रहा है, और बस 5 बज गए, मैं 5:30 बज गए अब तो, अब मैं थोड़ा बनाऊँगी सब्जी वगैरह उसमें जाऊँगी, और बस ये सीन है। एंड हाँ यार, लास्ट व्लॉग में किसी ने मेरे को पूछा था कि आप कौन सा शैम्पू यूज़ करते हो, तो शैम्पू ना मैं
चेंज करती रहती हूँ मैं, ज़्यादा रिपीटेडली एक शैम्पू को लेके नहीं चलती हूँ। मतलब ज़्यादातर अगर मैंने पिछले कुछ टाइम में यूज़ किया तो मैंने ट्रेसे में यूज़ किया क्योंकि हस्बैंड को पसंद है, तो मैं भी वही कर लेती थी क्योंकि अभी मेरे बालों पे कोई भी केमिकली ट्रीटमेंट नहीं है, तो कोई भी शैम्पू जो है वो मतलब जो मेरे को सूट कर रहा है मैं कर लेती हूँ। कुछ होता है तो फिर मेरे को पर्टिकुलरली उस ब्रांड का शैम्पू जो यूज़ करना पड़ता है, अगर कोई भी केमिकली मैंने ट्रीटमेंट लिया होता जिस टाइम में लिया होता है उस टाइम की बात कर रही हूँ, तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो बस शैम्पू मैं चेंज करती रहती हूँ, एक शैम्पू के साथ स्टिक नहीं रहती हूँ। तो ये चीज़ भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है, एक चीज़ के मतलब एक प्रोडक्ट के साथ ना आप स्टिक मत रहो, उसको चेंज करते रहो थोड़ा। और मेरे को ना व्लॉग्स के नीचे कमेंट्स में ये बहुत मैसेजेस आते हैं कि अपना नंबर दे दो, मैं आपकी स्कूल फ्रेंड हूँ, मैं आपके कॉलेज फ्रेंड हूँ, मैं से नंबर मत मांगा करो, प्लीज़ मेरे से नंबर मत मांगा करो, क्योंकि ना मैं ये बात नहीं है, एक तो सिक्योरिटी रीजन है, ठीक है, मैं अपना नंबर नहीं दे सकती, मेरे नंबर पे मेरा बैंक अटैच्ड होता है, ठीक है, मेरी और 100 चीज़ें होती है मेरे नंबर के साथ अटैच, मैं नहीं दे सकती फॉर सिक्योरिटी रीजन। इतने सारे तो यार फ्रॉड केसेस चल रहे हैं गूगल पे, इतने सारे मेरे को प्रमोशंस की भी कई बार आती हैं कि हमारे साथ कर लो, मेरा मन ही नहीं करता क्योंकि मुझे पता नहीं वो कौन है। और सच में ऐसा होता है कई बार गूगल की तरफ से नोटिफिकेशन आ जाता है दिस इज़ फ्रॉड, तो इसको अपने डिटेल्स मत दो, गूगल पे भी शेयर मत करो ये PR वगैरह के चक्कर में भी, तो मैं नहीं करती हूँ, ठीक है, मैं जाती नहीं उस चीज़ में। और ये मैं यार ऐसी बंदी हूँ कि मैं फ़ोन के साथ नहीं स्टिक रह सकती, मेरी फैमिली मेम्बर्स मेरे फ्रेंड्स को पता कि मैं कितना ही बात करती हूँ उनसे फ़ोन पे, तो वो फिर फ़ायदा ही क्या है ना फ़ोन नंबर देने का, आपको फॉलो करना है मेरे को, सारा कुछ तो यूट्यूब पे वैसे दिख जाता है कि मैं क्या कर रही हूँ लाइफ में, क्या चल रहा है, कहाँ पे हूँ। वैसे आपको कोई बात करें तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए, वहाँ पे मुझे DM कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी, बट नंबर प्लीज़ मत मांगा करो, प्लीज़ मत मांगा करो, इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड, नंबर मत मांगा करो। एंड बस ये चीज़ है, मेरे को लगता है इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर कुछ मतलब शाम का कुछ प्लान तो है हमारा कहीं बाहर जाने का, अगर तो होता है तो मैं इस ब्लॉग को कंटिन्यू कर लूँगी, नहीं तो इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन हमेशा की तरह हंसते मुस्कुराते रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। सो ऑलराइट गाइस, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट ब्लॉग, टिल देन।